बिहार पुलिस ने मुंगेर के राजद युवा जिलाध्यक्ष परवेज चांद को गिरफ्तार किया है। राजद नेता परवेज पर AK-47 हथियारों की तस्करी का आरोप है, जिसमें पुलिस कई महीनों से उसकी तलाश कर रही थी। खुद पर गिरफ्तारी की गाज गिरते देख राजद नेता मुंगेर छोड़कर फरार हो गया था। गिरफ्तार परवेज राजद अध्यक्ष लालू यादव और उनके बेटे पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव के भी खास बताया जाता है। पिछले साल अक्टूबर महीने में आयोजित तेजस्वी यादव की न्याय यात्रा के दौरान परवेज तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करता नजर भी आया था। 2 AK-47 6 मैगजीन बरामद। इसके अलावा लालू यादव के साथ भी राजद के विभिन्न कार्यक्रमों में परवेज मंच साझा करता नजर आता रहा। पुलिस ने परवेज को उसके गांव मुफस्सिल थाना क्षेत्र से बरदा गांव से गिरफ्तार किया। बरदा गांव से ही पिछले साल मुंगेर पुलिस ने गांव की ही एक महिला अमाना खातून को निशानदेही पर 2 AK-47 और 6 मैगजीन बरामद किया था। परवेज चांद का नाम हथियार तस्करी में सामने तभी आया था। इससे मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों ने अपने बयान में परवेज का नाम लिया था। RJD नेता परवेज पर पुलिस ने तत्कालीन AK-47 की तस्करी मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। उसके साथ उसकी खोजबीन शुरू हो गई थी। परवेज अपने ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकता देख मुंगेर से फरार हो गया था। परवेज की गिरफ्तारी की पुष्टि आरा सदर SP हरिशंकर कुमार ने करते हुए बताया कि गिरफ्तार राजद नेता परवेज की AK-47 तस्करी में भूमिका पाने के बाद उसके गांव बरदह से गिरफ्तार किया गया है। SP के मुताबिक बरदह से 2 AK-47 और 6 मैगजीन बरामद होने के बाद इस मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। नियाजुर रहमान और गुल्लो नामक अपराधियों से परवेज का नाम लिया था। इस दौरान बताया जाता है कि पुलिस को परवेज की तलाशी काफी दिनों से थी। तेजस्वी यादव और लालू के करीबी परवेज की शुक्रवार को गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही राजद और परवेज के सैकड़ों समर्थक मुफस्सिल थाने पहुंचे और पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगे। बताया चले कि मुंगेर में पिछले साल से अब तक पुलिस 22 से अधिक AK-47 बरामद कर चुकी है, जिससे जिले में अलग अलग थानों में 8 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं AK-47 हथियारों की बरामदगी मामले में लगातार इस तरह से प्राप्त होना खासतौर पर मुंगेर से ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं गन माफियाओं का अड्डा बनता जा रहा है मुंगेर जहां चुनावी राजनीति जबरदस्त अभी उबाल पर है। इस तरह से हथियारों का मिलना कहीं ना कहीं ये साबित करता है चुनावों को प्रभावित करने के लिए भी इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाना तय था। बने रहिए न्यूज़ बिहार पर, इसी तरह से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें News Bihar Live, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।